बजे, उसके बाद ये टलकर हो जाता है साढ़े सात, साढ़े सात से अब नया वक्त बताया जा रहा है कि रात आठ बजे होगा, लेकिन आगे अब क्या होने वाला है? हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त राजस्थान की सियासत में देखने को मिल रहा है, जहां पर मुहर लगनी थी इस बात पर, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच रहे थे वो इस बात के लिए कि राजस्थान की कमान किसके हाथ में दी जाती है, और इसमें सचिन पायलट का नाम सबसे आगे चल रहा था अभी तक इस रेस में, लेकिन पूरी तरह से पासा जो है वो पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शांति धारीवाल के घर पर तमाम विधायक और मंत्री पहुंच जाते हैं और ये बयान दिए जा रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन ऐसे मौके पर नहीं होना चाहिए जब एक साल के बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे, लेकिन वहीं कांग्रेस आला कमान की ओर से कहा गया कि वन मैन वन पोस्ट का प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना होगा और दो दो जिम्मेदारियां तो निभा नहीं सकते। वहीं अशोक गहलोत ये भी कहते हैं कि उन्हें कोई मुख्यमंत्री के पद से कोई मोह नहीं है, वो ये बात भी कहते हैं कि ये गलत तरीके से इसको प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन वहीं फिर ये विधायक क्यों लामबंद हो रहे हैं, फिर किसी नए नाम पर ये सहमति बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है, और केंद्रीय पर्यवेक्षकों से मुलाकात करने की बजाय अगर वहां पर ये मीटिंग हो रही है और जो जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर सीपी जोशी के यहां पर जाकर अब इस्तीफा सौंप देंगे, तो आगे अब राजस्थान की सियासत में क्या होने वाला है, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अदिति लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिखा को भी आप देख रहे हैं जो इस वक्त वहां पर मंत्री शांति धारीवाल के घर पर जो इस वक्त मीटिंग हो रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं। ये बहुत दिलचस्प हो गया आदित्य, अब आगे क्या होने वाला है? कांग्रेस आला कमान, जो हमने देखा था विधानसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, जो बगावती तेवर देखने को मिले थे, किस तरह से दो फाड़ हो चुकी थी कांग्रेस, वही स्थिति एक बार फिर से, और ऐसे राज्य में जब दो राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है, ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है कांग्रेस पार्टी के लिए कि आगे अब चीजें तय कैसे की जाएंगी। देखिए, जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि जो शांति धारीवाल के घर पे जो बैठक चल रही है, उस बैठक में अभी महेश जोशी बोल रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि कौन कौन मौजूद है, महेश जोशी अभी बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी निष्ठा कांग्रेस के प्रति, उस पर कोई शक नहीं करना चाहिए, हमारी निष्ठा सरकार के प्रति, उस पर कोई शक नहीं करना चाहिए, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारा सम्मान बचा रहे और हमारी सरकार बची रहे। तो ये तमाम भाषणबाजी वहां चल रही है, मोटिवेशनल एक तरफ, और दूसरी तरफ अब कुछ देर में मल्लिकार्जुन खड़गे अजय माकन सीएमआर में बैठक शुरू करेंगे। अब आपने का ये सवाल था कि सिर्फ दो ही राज्यों में सरकारें हैं और वो दोनों राज्यों में पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इम्बैलेंस, क्रिटिकल चीजें चल रही हैं, जैसा छत्तीसगढ़, वहां पर भी टीएस देव सिंह नाराज है, इतना खुलकर नहीं आए हैं, हालांकि अंदर खाने कई बार छत्तीसगढ़ के सीएम को रेजिग्नेशन के लिए कह दिया गया है। दूसरी बड़ी बात है राजस्थान की बात करें, अब सवाल उठता है कि राजस्थान में पहला आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बनाना चाहते हो क्योंकि राहुल गांधी तैयार नहीं है, और जब उनको बहुत मनाने की कोशिश कर ली दो साल, वो तैयार नहीं हुए, तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कंधे पर ये दारमदार दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अब एक व्यक्ति एक पद की बात है, तो ऐसे में विधायकों की केवल यही मांग है कि आप हमारी हमारे से पूछ लीजिए कि क्या आप चाहते हैं। हम अब इस पूरे ड्रामा में कांग्रेस शायद ये भूल गई है कि वो एक राष्ट्र पार्टी है और ये सारी तस्वीर सब देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। देखिए विमानसा जी, फर्ज कीजिए कि अगर 60 विधायक रेजिग्नेशन देते हैं तो क्या बीजेपी कोशिश नहीं करेगी कि वो फ्लोर पे अपना बहुमत साबित करे? बीजेपी की पूरी टकटक ही है, ना सिर्फ अभी से, वो पहले से ही चाहते थे कि या तो सरकार गिर जाए या फिर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए जैसे उदयपुर में एक मसला हुआ, नुपुर शर्मा के बयान के बाद तमाम चीजें हुई, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया, तो राजस्थान तो वैसे ही टारगेट पे था। तो कांग्रेस के किसी व्यक्ति को अब आला कमान कौन है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सोनिया गांधी के हिसाब से डिसीजन नहीं लग रहे, प्रियंका गांधी के हिसाब से डिसीजन लग रहा है, प्रियंका गांधी पार्टी में केवल एक उत्तर प्रदेश की संगठन मंत्री है, और राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, केवल एक एमएलए है, तो आलाकमान कौन है ये नहीं पता। पर शायद कांग्रेस को ये समझना होगा कि ऐसे डिसीजन इस तरीके से या तो फिर और इस वक्त जो बड़ी खबर है अदिति वो हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को, कुछ ही देर में शुरू होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, तो दो बार टल चुकी है, पहले शाम 7 बजे वक्त निर्धारित किया गया था, फिर 7:30 और अब 8 बजे बताया जा रहा है। सोनिया ने खड़गे और माकन को नियुक्त किया है पर्यवेक्षक,
जो वहां पर विधायकों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक होगी और कुछ ही देर में इसकी शुरुआत होने वाली है। अभी अशोक गहलोत ने मुलाकात की है केंद्रीय पर्यवेक्षकों से, होटल में इनकी मुलाकात हुई और अब वो मुख्यमंत्री आवास के लिए वहां से निकल चुके हैं और मुख्यमंत्री आवास पर ही ये कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। तो कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कांग्रेस विधायकों के बीच दरार देखने को मिल रही है और ये विधायक अब धमकी दे रहे हैं सामूहिक इस्तीफे की कि सीपी जोशी के यहां पर जाकर अपना इस्तीफा दे देंगे। अब ऐसे में अब आगे कैसे तय होंगी ये सारी बातें, अब किसको राजस्थान की ये जिम्मेदारी दी जाती है, क्या ये पूरा मनमुटाव जो दोनों गुटों के बीच हम देखते रहे हैं, जो अशोक गहलोत खेमा और दूसरी ओर सचिन पायलट का खेमा, और सचिन पायलट पर लगातार तंज कसने का काम करते रहे हैं अशोक गहलोत, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा था कि वो उनके नाम के लिए कभी राजी नहीं होंगे। और जो कांग्रेस आला कमान से जाकर जो मुलाकात हुई सचिन पायलट की और माना जा रहा था कि उन्हीं के नाम पर ये रजामंदी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो आप देख रहे हैं कांग्रेस विधायक दल की बैठक से ठीक पहले ये किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर हो रहा है। शिखा भी हमारे साथ है। शिखा, अब वहां पर क्या स्थिति है, अभी भी ये मीटिंग वहां पर चल रही है, आपके सोर्सेज आपको क्या जानकारी दे रहे हैं, बैठक में क्या हो रहा है इस वक्त? जी मीमांसा, इस वक्त ये बैठक चल रही है और जानकारी ये मिल रही है कि 73 विधायक इस वक्त अंदर है, लेकिन एक और हलचल मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अभी मीमांसा मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जानकारी मैं हासिल करूँ। यहाँ लगातार विधायक जमा है मीमांसा, और चूँकि जैसा कि हमने आपको जानकारी दी मीमांसा कि विधायकों का आना अभी भी जारी है, यहाँ पर मीटिंग हालांकि अंदर शुरू हो गई है, लेकिन एक और हलचल, यहाँ किसी तरह की कोई तो आप देख रहे हैं किस तरह से सियासी हलचल वहां पर काफी बढ़ चुकी है। और ये सचिन पायलट के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ विधायक पहुंच रहे हैं। तो एक और तो शांति धारीवाल के घर पर वो मीटिंग चल रही है, वहां पर 70 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं, वहां पर कुर्सियों की भी कमी पड़ गई, वहां पर और विधायकों को बुलाया जा रहा है। और वहीं जो दूसरा खेमा है सचिन पायलट का, अब उनके घर पर भी ये बैठक की जानकारी मिल रही है, वहां पर भी विधायक पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक से ठीक पहले ये खींचतान आप देख रहे हैं। जो अंदरूनी हालात इस वक्त कांग्रेस के बने हुए हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं कहे जा सकते। लगातार ये खींचतान और ये मनमुटाव दोनों खेमों के बीच देखने को मिलता रहा है। और सीएम आवास पहुंचे हैं अशोक गहलोत, थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होगी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। और उससे पहले हमने आपको होटल की तस्वीरें दिखाई जहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षकों से मिलने के लिए पहुंचे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और अब वो मुख्यमंत्री आवास के लिए वहां से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक शुरू होने वाली है, पहले 7 बजे वक्त बताया गया, उसके बाद 7:30 और अब ये टलकर 8 का वक्त हो चुका है। और अब इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अब आगे क्या होगा। जो केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे हुए हैं, अब विधायक उनसे क्या कहेंगे, अब ये 1-on-1 मीटिंग होगी या फिर ये सामूहिक बात उनसे होगी। लेकिन जिस तरह के तेवर दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस विधायकों के, जो जानकारी मिल रही है, उन्होंने तो मन बनाया हुआ है, वो इस्तीफा लेकर सीपी जोशी के घर पर जाने का पूरा कार्यक्रम बना रहे हैं। अब कौन से प्लान पर आगे बढ़ा जाएगा, हमें इंतजार करना होगा कि अब इस कांग्रेस विधायक के दल की बैठक में कितने विधायक वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर अशोक गहलोत की ओर से क्या कहा जाता है, केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पर क्या कहते हैं। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, इस वक्त की बड़ी खबर। आप इस वक्त देख रहे हैं राजस्थान में सियासी तापमान किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शिखा ठाकुर, अब इस वक्त आप क्या देख रही हैं वहां पर? जी मीमांसा, चूंकि अंदर मीटिंग चल रही है और कहीं ना कहीं रणनीति पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, विधायक दल की मीटिंग होनी है जहां अब सचिन पायलट भी पहुंच गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, खुद सीएम अशोक गहलोत भी वहां पहुंच चुके हैं, साथ ही पर्यवेक्षक भी पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां की अगर मैं तस्वीर आपको मीमांसा दिखाऊं तो यहां की तस्वीर बहुत साफ है। ये दरवाज़ा जो आप देख रही हैं, ये धालीवाल साहब के घर का ये दरवाज़ा है, ये बंद है। और यहां चूंकि अंदर से जो है तस्वीरें लेने की कोशिश लगातार मीडिया कर रही है, क्योंकि अंदर मीटिंग चल रही है और कहा जा रहा है कि 73 यानी 73 विधायक अंदर इस वक्त मौजूद हैं और अब उनके इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा कि तमाम ये विधायक पहले भी कहते रहे कि हम एक लाइन में इस्तीफा देंगे तमाम लोग उस पर सिग्नेचर्स करें
करेंगे और सीपी जोशी के पास चले जाएंगे। यही इनका प्लान भी है क्योंकि वहां पे अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, खुद पायलट पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जो तमाम विधायक हैं वो फिलहाल जो बात बता रही हैं शिखा, थोड़ी देर में शुरू हो सकता है इस्तीफों का दौर मंत्री शांति धारीवाल के घर से, ये बड़ी खबर। शिखा ठाकुर वहीं पर ही मौजूद हैं और थोड़ी देर में शुरू हो सकता है इस्तीफे का दौर। अंदर देखिए 73 विधायकों की मौजूदगी है और जो जानकारी मिल रही है वहां पर इस्तीफे का मन बना लिया है क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को अपना संदेश देना है और विधायकों की शिकायत है कि कांग्रेस आलाकमान को उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि केंद्रीय पर्यवेक्षक